दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन पर आधारित एक नई वीडियो के साथ। अगर आप बड़े प्रजाति की बकरी की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है आपके लिए। और बड़े प्रजातियों का गढ़ माना जाता है राजस्थान, और अभी मैं हूँ दोस्त मेरे राजस्थान में, और ये जो फार्म है फार्म का नाम है ओम गॉड फार्म, और हमारे साथ ओम भाई हैं जो इस फार्म के ओनर है। तो अगर आप रियल में कुछ कमाना चाहते हैं और बड़े बकरी की फार्मिंग करना चाहते हैं तो बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ओम भाई स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ अजमेर राजस्थान में। हमारा गोट फार्म है ओम सिरोही गोट फार्म। कंप्लीट एड्रेस यहाँ का क्या है वो हमारे दोस्तों को बताइए। जी अजमेर राजस्थान जनाना हॉस्पिटल गेट नंबर 2 के पास में ओम सिरोही गोट फार्म, और जो मेन है अपना गांव बाबाईचा गांव, अजमेर से 25 किलोमीटर और किशनगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी। तो दो जगह आपका फार्म है। जी वहाँ पर क्या फार्म है? यहाँ तो ट्रेडिंग का आपका काम करा, वहाँ पर क्या है? वहाँ अपना गांव में है और सारा जो है बकरे बकरियाँ डिटेल में जो ज़्यादातर वहाँ रहती है, क्योंकि यहाँ तो एक सैंपल के तौर पे एक डिस्प्ले मान लो कि ये 40-50 नंग ये अपने पास यहाँ खड़ा रहते हैं, बाकी 100-150 नंग गांव में वहीं पलते हैं। अच्छा, वहाँ मेन वहाँ पर आपका है? मेन वहाँ पे वहाँ ब्रीडिंग सेटअप आपका है। जी तो ये बताइए किस किस प्रजाति पर आप सर काम करते हैं? अपन जैसे ज़्यादातर मेरा ओम सिरोही गोट के फार्म पर ही है, तो मैं ज़्यादातर सिरोही पर ही नस्ल पर काम कर रहा हूँ, बाकी जैसे सोजत हैं, सिरोही हैं, गुजरी हैं, डिमांड रहता है आप अवेलेबल करा देते हैं। अवेलेबल करा देते हैं। तो ये बताइए सर कि सिरोही राजस्थान की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भाई ये खास क्यों है? क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में इसको कहीं भी सेटअप किया जा सकता, ये जो इसमें अपन एक तरह से कहे कि बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है वो और ब्रीड से इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये कहीं भी सेटअप हो जाती है, आसानी से रेप आती है, इनमें बीमारी थोड़ा कम आती है, और ये मतलब 150-150 किलो वेट में भी समा जाती है। बड़ी जो है वेट वाली बकरियां हैं वो है, जैसे अपन ब्रीड में बात करें अभी प्योर स्पॉटेड जो सिरोही है वो वाला ये ब्रीडर है। सर ये जो स्पॉटेड होता है या बिल्कुल चॉकलेटी कलर का था, दोनों में क्या अंतर है? क्या ग्रोथ में कुछ अंतर होता है क्या? हाँ नहीं, वो कोई अंतर नहीं है, बाकी माना तो इन्हें अजमेरी सिरोही एक ही ब्रीड माना जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग एरिया वाइज इनको नाम दे दिए कि भाई ये सिरोही है, ये गुजरी है, बाकी ब्रीड एक ही है। अच्छा सब क्रॉस ही है सिरोही का ही? हाँ सिरोही का। उसके कुछ एरिया वाइज अलग अलग कलर आ जाता है, कोई स्पॉटी हो जाता है? अभी ब्रीडर है मेरे पास, ये दो दांत में है, तो ये भी एक जो बड़ा ब्रीडर है, और बाकी जो बकरियां हैं बड़ी वाली देख रहे हो ये वाली हाइटेड में, ये भी बकरियां भी हैं, ये भी सिरोही में ही हैं, बहुत जो अच्छी हैं हाइट में, ये अभी 6 दांत में बकरी हैं। छह दांत की बकरी। वो ब्रीडर कितने दांत का है? वो 2 दांत में अभी उखाड़े हैं, 2 दांत अभी 2 दांत के ही। हाँ काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा, 150 किलो वेट समाता है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें ओम भाई, तो क्या ग्रोथ इसका होता है? कितने साल का बच्चा जैसे 70 किलो से लेके 100 किलो के आसपास हो जाता है। उसका खान पान क्या होता है? खान पान में जैसे सर्दी के अंदर जैसे मुर्गियों के देसी अंडे हैं, दूध है, बाकी जो है काला जीरी वगैरह है जो अलग से अपन देते हैं, वो तो देखो इतना डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, जो मेन चीज़ें हैं वो यही है, जो चारा पानी है वो रेगुलर, और इनकी जो देख रेख है वो डिपेंड करती है। आप यहाँ इन लोगों को भोजन में क्या देते हैं? जैसे भोजन में इनको अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, तो पहले तो जो दे देते अब बाजरा स्टार्ट कर दिया है। और भूसा वगैरह नहीं देते? नहीं भूसा वगैरह ये हमारे यहाँ थोड़ा कम खाती हैं, बाकी भूसा वगैरह भी खा लेती है। जौ और बाजरे पर इन लोगों को रखते हैं? वो बाजरा और जो हरी पत्ती होती है लौंग वो। अच्छा जौ बाजरा लौंग पत्ती पर इनको रखते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ तो राजस्थान में ये सब पाई जाती है तो आप दे दे रहे हैं। राजस्थान से बाहर जब ये बकरी जाएंगे किसी दूसरे फार्म पर या जो फार्मिंग करना चाहते होंगे, तो आप अगर आपसे परचेस करें या आपके द्वारा फार्मिंग शुरू करें, तो वो क्या खिलाएंगे और कैसे उसको रखेंगे, कैसे ये सेट हो पाएगी? सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ उनको भोजन के लिए बोला जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा देखते हुए थोड़ा बहुत भोजन लेके जाते हैं, तो 50 आप ज़्यादा नहीं तो 50 बकरी लो, लेकिन थोड़ा भोजन वो जो ये वाला है वो लेके जाए, हरी पत्ती खास तौर से क्योंकि वो थोड़ा कम मिलती है, तो वो थोड़ा लेके जाए ताकि थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा वाला अपना डाल के फिर इनको सेटअप किया जाए। हरी पत्ती तो राजस्थान में ही मिलती है? हाँ, तो जो भी यहाँ से बकरी परचेज करेंगे या यहाँ से फार्मिंग शुरू करेंगे तो अपने साथ बकरियों के साथ हरी पत्ती भी लेकर चले जाए। सबसे बड़ी गलती करते हैं ये फार्म क्या, ये ब्रीड थोड़ा
सब जगह सूटेबल हो जाती है। खाना इनका थोड़ा लेके जाओ, एक टाइम में वो डालो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है शुरू में। बस मेन पॉइंट वही है। अधिकतर जो मैं देखता हूँ ना, 90% जो फार्मर है जो वो फेल इसी आधार पे हुए। मैंने उनका एक मानू तो कि एक निकाला है कि रिकॉर्ड निकाला मैंने, 90% यहाँ मेरे जो लेके जाते हैं ना उनके यही प्रॉब्लम आती है। और मैं तो खाना उनको पहले देता हूँ, 50 बकरी लो, आप 100 ले रहे हो 50 ले लो, खाना थोड़ा लेके जाओ, 50 को भी व्यवस्थित पालो, ये तो पालो मत, और पालो तो उसका सारा व्यवस्थित पालो, क्योंकि 90% जो फार्मर फेल हो रहे हैं वो इनके खाने की वजह से। वो क्या करते हैं साहब, इनको यहाँ से लेके जाते हैं 100 बकरी कि भाई अपना किराया भी लगे, ये भी लगे, ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगे, ज़्यादा लगे, और उनको नज़र रखते हुए वो क्या करते हैं 100 बकरी ले गए, खाना इनका ले जाते नहीं है, और जैसे इनको ले जाके और फिर वो अपने वाला खाना स्टार्ट कर देता है। अब अपन यहाँ खाना खा रहे हैं कि अपन रोटी खा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में आपके वहाँ जाए तो चावल खा रहे हैं, तो अब चावल खाने, एक रोटी खाने वाले को एकदम से चावल खिलाएगा तो वो पेट गड़बड़ करेगा, तो थोड़ा खाना तो यहाँ से लेके ही जाना पड़ेगा। आप 100 मत ले जाओ, 50 ले जाओ, और आपको भारी नुकसान हो सकता है अगर आपने हरी पत्ती नहीं लेके गए तो, क्योंकि फिर वो क्या कि एकदम से बीमारी भी पकड़ आ जाएगी, सर्वाइव सही तरीके से नहीं कर पाएगा। शुरुआती वाला जो समय होता है वही काफ़ी नाजुक होता है, उस समय अगर सर्वाइव नहीं करवा पाते हैं तो बकरियों की मोर्टिलिटी भी हो सकती है और भारी नुकसान सामने वालों को हो सकता है। वो नए आदमी हैं, बीमारियों के बारे में इतनी जानकारी होती नहीं है, कब क्या देना है, जैसे भोजन खाने पर ऑफर आ जाए तो क्या देना, वो फिर क्या है कि डॉक्टर को पकड़ते हैं, डॉक्टर फिर रोज़ 500 रुपये ले जाता है, वो तैयार होती होगी तो मतलब उसका तो वो मजदूरी बनाएगा ही बनेगा, क्योंकि वो फिर महंगा पड़ जाता है। तो थोड़ा सीख के जाइए, एक दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए मेरे फार्म पे, और आपको क्या देना है डेली रूटीन से लेके वो सारा सिस्टम आप सीख के जाओ। तो भाई जो भी बकरी पालन के क्षेत्र में या कमर्शियल गोल्ड फार्मिंग के क्षेत्र में आ रहा है तो 2 पैसे कमाने के लिए आ रहा है, तो जब यहाँ से बकरी लेकर जाता है और जितना सोच करके वो करता है उस हिसाब से उनकी इनकम नहीं हो पाती है, जैसा कि आपने बताया, और गलती कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो सबसे बड़ी 90% गलती यही है, खाना चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है तो वो भारी पड़ जाता है। अगर उसको खाना थोड़ा सा ये मिल जाए ना तो वो वहाँ के वातावरण में ढलने में बिल्कुल आसानी से हो जाता है, क्योंकि मैं डाल के आया हूँ, मैं यहाँ से हरी पत्ती ले जाता हूँ, अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई चलता है तो उसको बहुत बेनिफिट होता है, फिर वो अपनी मर्जी से लेके जाता है 100-150 कि भाई हमारा यहाँ से वहाँ जा रही है तो थोड़ा पैसा भी कम लगे, तो क्योंकि उसका शुरुआती में एंड हो जाता है। काफ़ी बदमाश है ये ब्रीडर, थोड़ा सा इधर चलिए। किस तरह की बकरी से उनको गोट फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए और कितने बकरी से स्टार्ट करनी चाहिए? एक मैंने रिकॉर्ड निकाला है कि आप छोटे बच्चे बिल्कुल मत ले जाओ, क्योंकि उसमें भी 90% वहाँ भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे वो रकम में अपन कम आ रही है बजट में, भले कम आती है लेकिन समय भी तो लगता है, समय भी लगता है। वो क्या करते हैं बजट को देखते हुए उनमें छोटी ले जाते हैं, छोटी का क्या होता है कि वो ज़्यादा जल्दी एक तो बीमारी पकड़ लेती है उनको और वो वातावरण में ढल नहीं पाती है, तैयार होने में समय लगता है। आप खाना और इनका जो है कम से कम 20 किलो से ऊपर, 4 महीने से ऊपर के बकरे लेके जाओ, वो वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो आप अगर गोट फार्मिंग कर रहे हो तो इनमें पहले ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे और ना कुछ कमा पाएंगे, क्योंकि शुरुआत का ही जो मेन है कि शुरुआत में अगर अच्छा कर पाओगे तो अगर शुरुआती अच्छा है तो लास्ट भी आपका अच्छा होना, शुरुआत में ही आप गलत हो गए तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि पहले ही आदमी का मन टूट जाएगा तो फिर बाद में नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले उसको अच्छी इनकम मिलनी चाहिए तब जाके वो उसको और धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। एक और सवाल है ओम भाई की, आपने तो बता दिया बेहतर तरीके से कैसे किस तरह के बकरी से लोगों को फार्मिंग शुरुआत करनी चाहिए, तो ब्रीडर का चुनाव किस तरह का करना चाहिए? ब्रीडर का आप 50-60 बकरियों में से एक ही ब्रीडर चुनिए, क्योंकि ब्रीडर ही आपकी बकरी आने वाली जो पीढ़ी है वो ब्रीडर तय करता है, तय करता है रहेगी। तो आप ब्रीडर में गुंजाइश ना करें, फार्मर को कहो कि भाई आप 1000 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन ब्रीडर ऐसा दो कि हमें मज़ा आ जाए और वो हमारी अगली नस्ल सुधार के लिए काम आए, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि पूरे पैसे ब्रीडर के देते नहीं है, उसमें से ही घटाते जाता है, तो कोई भी किसान या फार्मर है वो अपनी जेब से नहीं देगा। उसको ये बोलो कि भाई ये लॉन्ग टाइम के लिए जा रही है, आप जो बोल रहे हो उसे 1000 रुपये ज़्यादा ले लो, यानी कि 2 बकरी कम लो लेकिन बेहतर ब्रीडर आप ले लो,
हाँ, और रेट में कम मत कराओ, क्योंकि वो अपनी जेब से, वो भी मजबूर हो जाता है फिर, क्योंकि उसको बोलोगे कि भाई हमें कम रेट वाला दो, तो फिर वो वैसा ही वो ला के देगा। जैसा आप ब्रीडर रहेगा उसी तरह से आपके फार्म में बच्चे भी आएंगे, और सारा कुछ दारोमदार बच्चे पर होता है, बच्चे बेहतर नहीं आएंगे तो फिर आपका मुनाफा भी उसी हिसाब से होगा। ओम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया, और दोस्तों आपने सुना बेहतर तरीके से इन्होंने बताया। अगर आप भी अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ओम भाई का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस रहेगा, आइए विजिट कीजिए, इनसे सीखिए, बहुत कुछ बताएंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे, ताकि आप लोग भी जब इस फील्ड में आए, बकरी पालन के क्षेत्र में आए, तो दो पैसे कमाए। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए।